अंधा हो गया है। सॉरी भाई सॉरी। इतने सारे पैसे भाई, मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं भाई, मैंने कर लिया है। सिगरेट मिल जाएगी आपके पास? जी भाई देता हूँ, ये लो। इस छोटी सी दुकान से कैसे गुजारा कर लेते हो? बस आप हो जाता गुजारा। वैसे साहब इस बैग में कितने पैसे हैं? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। ये देखो। वाओ! इतने सारे पैसे! ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं। क्यों मजाक करते हैं साहब, 10 लाख मेरे तो ख्वाब में भी 500,000 आते हैं। अरे भाई मैं बैंक से हूँ, आपका बड़े से बड़ा ख्वाब हम पूरा करेंगे। वो कैसे साहब? वो ऐसे कि हमारा बैंक लोन देता है, मैं तुम्हें अपने बैंक से 10 लाख रुपए लोन देता हूँ, तुम अपना कारोबार बढ़ा लो। लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज भी नहीं है, मुझे लोन कैसे मिलेगा? अरे भाई इस दुकान को सिक्योरिटी के लिए रखवा दो ना, 10 लाख रुपए तुम्हें अभी दे देता हूँ मैं। दुकान गिरवी? वैसे यार 10 लाख आ गए तो मैं उन पैसों से कारोबार करके अमीर हो जाऊंगा। ठीक है भाई तू सोचता रहे, मैं जा रहा हूँ। रुको भाई, मैं ये पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, सर आपको 50,000 रुपए हर महीने EMI भरनी पड़ेगी इन पैसों की। बाकी ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दें। और ये पैसे आपके, ये लें सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर, ये पैसे अब आपके हो चुके हैं, एक महीने बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओ यस, अब मैं अमीर हो गया, अपनी पूरी दुकान माल से भर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं एक कंपनी से आया हूँ, हमारी कंपनी बहुत सस्ते रेट पर तमाम प्रोडक्ट देती है, ये चेक करें। नहीं भाई ये सामान मैंने नहीं लेना। ठीक है सर, अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मुझे क्या फायदा होगा? आप जितने पैसे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको उसका 100% मुनाफा मिलता रहेगा। चाहे हमारी कंपनी को नुकसान भी आ जाएगा ना, आपको मुनाफा मिलता रहेगा। सलाम भाई साहब, आपकी कंपनी की वजह से आज मैं बहुत मुनाफा कमा रहा हूँ। आप ये 5 लाख और भी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, आपको मुनाफा मिलता रहेगा। तो फिर आपने क्या सोचा? ये मुनाफा तो सूद के जुमरे में आता है, कोई बात नहीं, हर कोई कर रहा है। अच्छा भाई साहब, 10 लाख का मुझे कितना मुनाफा मिलेगा? अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 2 लाख रुपए नफा मिलता रहेगा। 2 लाख? वाह यार भाई, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है ठीक है भाई साहब, मुझे पूरा यकीन है। ये देखो भाई साहब, पूरे 10 लाख हैं। ठीक है भाई, आप अपना नाम लिखवा दें। जी मुझे प्यार से नद्दू बोलते हैं। ठीक है नद्दू भाई, आपको हर महीने 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है जी। वाह नद्दू, क्या दिमाग लड़ाया तूने, 2 लाख इधर से आएगा, 50,000 रुपया बैंक वाले को दूंगा। यस। एक महीने बाद भाई साहब एक नस्वार देना। भाई साहब मैंने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में। कौन सी कंपनी? वही कंपनी जिस कंपनी में आपने अभी 5 लाख रुपए जमा करवाया है। कोई कंपनी वंपनी नहीं है, वो 5 लाख उसी बंदे ने दिया था मुझे। क्या? उसने मुझे कहा था तुमने ऐसे ऐसे बोलना और एक्टिंग करनी है। बता फिर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैंने तेरी लग दिया, ऐसे लगा था मुझे चुना। अब एक महीना हो गया, कहीं वो बैंक वाला ना आ जाए। इधर 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 भाई साहब, मैं आ गया। 50,000 रुपया EMI जमा कराए आप अपने। भाई साहब मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, आपका दिया हुआ 10 लाख वो कंपनी वाला मेरे से लूट गया है, अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ओहो आप टेंशन ना ले, उठे इस बेंच से उठे, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाएं। ये दुकान आपने मुझे लेके दी है, या 10 लाख रुपया दो या दुकान। भाई साहब पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्यों?